हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। होप आपका दिन अच्छा ही जा रहा होगा। ड्रीम इलेवन पे काफ़ी अच्छी विनिंग चल रही होगी और आप हमारे चैनल पे अगर जुड़ चुके हैं तो आपकी काफ़ी अच्छी विनिंग हो रही होगी यहाँ पे। यह हमारा कुछ लास्ट मैच का रिकॉर्ड था जो बैक टू बैक स्वीप रहा है। मैं एटलीस्ट 32 मैचेस कवर कर चुका हूँ जिसमें से 28 क्लीन स्वीप गए हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और जुड़ने के लिए आप लोग सर्च करिए रॉकर्स 11 पांडियन बॉट। ये तो बॉट है हमारा और आप सर्च कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं आरुषि 1 2 3 4 5 जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सर्च करके आप मैसेज करिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा या फिर लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको उन मैचेस की वीडियो मिलेगी जो आपको कोई नहीं प्रोवाइड करता है। तो आज जो हम अगला मैच अपने टेलीग्राम चैनल पे कवर करेंगे वो है DHNF वर्सेस WAKK या फिर AKKA वर्सेस NGC। अब क्या होता है, हम इन दोनों मैचों की आपको एक साथ बता देंगे प्रेडिक्शन क्या रहेगी, स्ट्रेटजी क्या रहेगी प्रेडिक्शन। तो इन दोनों मैचों की एक ही में आपको बता एक ही वीडियो में बता देंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना और शेयर करना। आपका टाइम बिना वेस्ट करते हुए चलते हैं हम पहले मैच में जो है AKKA वर्सेस NGC के बीच में। तो अब इसमें हमारी ड्रीम इलेवन टीम क्या रहेगी और क्या स्ट्रेटजी रहेगी वो हम आपको बता। तो आज की हमारी टीम चलिए बनाते हैं। अब हमारे यहाँ पे डिफेंडर में मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि क्या क्या चॉइस रहेगी। हमारी चॉइस रहेगी ए कुमार, जो SL में हमारी चॉइस रहने वाली है। ए कुमार काफ़ी अच्छे डिफेंडर हैं और काफ़ी अच्छे, इनका एवरेज है 25+ एवरेज है इनका पर मैच में क्योंकि, और ये अच्छे भी हैं। कल ये इनके काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, इन्होंने काफ़ी डिफेंडिंग पॉइंट्स दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रेडर्स पॉइंट दिए हैं। आप ऐसे करके देख सकते हैं कि इनके रिकॉर्ड कितना अच्छा है, इनने लास्ट मैच में भी 25 पॉइंट्स दिए हैं। तो इसको तो लेना बनता ही है। और फिर हमारी NGC की टीम की तरफ से हमारे दूसरे रेडर्स रहेंगे दीपक कुमार, और हम यहाँ से लेंगे राजेश को जो कि काफ़ी अच्छे, इनका लास्ट मैच काफ़ी अच्छा गया है, इन्होंने काफ़ी अच्छा पॉइंट्स दिए और इनका एवरेज है 35+। तो अब हम आगे चलते हैं, ये हमारी SL टीम की पिक रहेगी। बाकी आप यहाँ से बाकी आप यहाँ से दीपक को ड्रॉप करके आगे और ऑलराउंडर या फिर रेडर्स रख सकते हैं एक्स्ट्रा। अब यहाँ से हमारे पास दो चॉइस है, एक तो जसवंत पिछला मैच खेले थे पर आज आपको अनिल भी खेलते हुए नज़र आएंगे, तो आप संसार की जगह ने अनिल या अनु को ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग में। अभी फ़िलहाल हम SL की टीम बना रहे हैं इसलिए हम सेफ जाते हैं और संसार को लेते हुए अपनी टीम में। अब हम आगे देखते हैं रेडर्स, तो रेडर्स में हमारी चॉइस रहेगी ए मलिक जो कि काफ़ी अच्छे रेडर हैं, और एस सूरजमल, ये कैप्टन वाइस कैप्टन रहते हैं अपनी टीम के और ड्रीम इलेवन टीम के भी, और ये काफ़ी अच्छे रेडर हैं। इनका पॉइंट एवरेज काफ़ी अच्छा है और लास्ट मैच में इनने काफ़ी ज़्यादा हिटिंग पॉइंट दिए हैं। और तीसरे रेडर्स हमारे रहेंगे ए अंकित, और इसके अलावा आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं आर रणबीर को अंकित की जगह। बाकी एस सूरजमल और ए मलिक तो हमारे फाइनलिस्ट रहेंगे। संसार की जगह आप अनु या अनिल को ट्राई कर सकते हैं और आप यहाँ से दीपक की जगह एम कुमार या फिर आर विजय वगैरह किसी एक को ट्राई कर सकते हैं। बाकी हमारी फाइनल टीम ये रहेगी जो कि ये मैच है वो है कैप्टन वाइस कैप्टन पे डिपेंड, इसलिए हमारा कैप्टन रहेगा एस सूरजमल, वाइस कैप्टन रहेगा हमारा ए मलिक। पर आप इन दोनों को रिवर्स कर सकते हैं, इन दोनों का ही रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है ग्रैंड लीग में, आप एम राजेश को कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। धन्यवाद। अब हम चलते हैं साथ ही साथ अपनी दूसरी टीम पे।
तो ये कुछ हमारी टीम ये रहेगी जो मैं दिखा दूं आपको पहले मैच की, AKA वर्सेस NGC। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टनसी आप एम राजेश को रख सकते हैं, अंकित को रख सकते हैं और इन दोनों को रिवर्स कर सकते हैं। बाकी आप संसार की जगह अनवर मलिक को ट्राई कर सकते हैं। अब चलिए हम अपने दूसरे मैच की बात करते हैं, तो वो है DNHF वर्सेस WAK। देखिए गाइस, फाइनल टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि है पांडियन रॉकिंग टीम्स के नाम से, और आप इसको सर्च कर सकते हैं आरुषि 1 2 3 4 5, और काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है और आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे सभी स्पोर्ट्स की टीम आती है बैक टू बैक। आइए तो अब हम बात करते हैं। देखिए गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल जाता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियो ला पाएँ और डेली काफ़ी मेहनत कर पाएँ। चलिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अब हम आगे चलते हैं, तो देखते हैं DNHF W वर्सेस WAK जो है कबड्डी का 07 का मैच। तो यहाँ पे हमारे रेडर्स काफ़ी शानदार हैं, डिफेंडर काफ़ी शानदार हैं, जो कि हैं एम कुलदीप, जिनको हमें SL में रखना ही है। और यहाँ से आप ले सकते हैं आशीष को, ड्रॉप नहीं कर सकते। PE हुडा भी काफ़ी अच्छे हैं। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रेडिट मैनेज करने के लिए आप कुलदीप को ड्रॉप करके नवीन रख सकते हैं। बाकी मैं बता दूं कि विजेंद्र का भी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, पिछले मैच में इन्होंने काफ़ी अच्छी डिफेंडिंग पॉइंट 24 पॉइंट दिए हैं। और यहाँ से आप क्रेडिट मैनेज करने के लिए जगदीश, पर मैं आपको बता दूँ कि आप ग्रैंड लीग में नवीन की जगह आप कुलदीप के साथ या विजेंद्र के साथ जा सकती हैं। आगे चलते हैं तो ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे पास हैं पी दैया, जो कि काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं। ये रेडिंग और डिफेंडिंग से भी पॉइंट देते हैं और काफ़ी अच्छे पॉइंट देते हैं। हमारे मोस्टली अपोनेंट के कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे और हमारी भी टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे अगर आज ये खेलते नज़र आते हैं। तो इनकी जगह आप ले सकते, आपको पी दैया तो लेना ही है, आप यहाँ से ले सकते हैं दूसरे ऑलराउंडर आकाश, जो कि यह भी काफ़ी अच्छे रेडर हैं। पिछले मैच में कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाए, वैसे इनका 50 का एवरेज है। और यहाँ से आपको एक और रेडर मिलेंगे जो काफ़ी अच्छी बेस्ट परफॉर्मेंस है जिनकी, जो है करमबीर, कल के हिटर। इन्होंने मैच में हिटिंग करी थी और इनके शायद यहाँ पे पॉइंट ऐड नहीं हुए हैं अभी तक। इन्होंने कैप्टनसी में दिए थे 130 पॉइंट कल, और ये काफ़ी अच्छे हैं। तो आप इनको आकाश की जगह करमबीर को ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग में एज अ वाइस कैप्टन। और यहाँ से अब हम अपने रेडर्स की बात करते हैं, तो रेडर्स में आ जाते हैं हमारे रेडर्स। देखिएगा ये मैच जो है वो है ऑलराउंडर और डिफेंडर के बीच में, जो कि रहेगा आज हिटिंग करेंगे। यहाँ से आप रेडर्स ले सकते हैं एस कुमार को, बाकी आप दूसरे रेडर्स ले सकते हैं पवन को। बाकी मुझे कोई ज़्यादा अच्छा रेडर लग नहीं रहा है, मुझे लेना तो यहाँ पे था ऑलराउंडर, पर एक से दो ही ऑलराउंडर ले सकते हैं। तो अब यहाँ से हम ले लेते हैं एक और अपने डिफेंडर, जो कि रहेंगे हमारे कुलदीप। आप यहाँ से विजेंद्र भी ट्राई कर सकते हैं, विजेंद्र काफ़ी अच्छे हैं। तो हमारी टीम कुछ इस प्रकार की रहेगी, मैं आपको दिखा दूँ। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए आप पी दहिया को ले सकते हैं और आशीष को ले सकते हैं, नहीं पी दैया को कैप्टन वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, और के करमबीर जो हैं आकाश की जगह के करमबीर को रख के वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, और यहाँ पे पी हुडा को कैप्टन वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। तो आपकी ये तीन आज की चॉइस रहेंगी, पी दैया, करमबीर, पी हुडा कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। और आप ऐसे और कॉम्बोज बना के आप ग्रैंड लीग आसानी से विन कर सकते हैं। कबड्डी के मैच में ज़्यादा इजी रहता है ग्रैंड लीग विन करना। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आपको सारी टीमें यहीं पे मिलेंगी और ऐसे ही मिलेंगी। और आपको जो जो टीम चाहिए, मैं सारे स्पोर्ट्स की वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ पर बना नहीं पाता हूँ। आपको यहाँ पे वॉलीबॉल की भी टीम की प्रेडिक्शन मिल जाएगी,
और आपको बहुत से मैचों की प्रेडिक्शन मिल जाएगी यहाँ पे, और आपको लाइनअप भी मिल जाएगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना जो कि है पांडियन रॉकिंग टीम के नाम से, यहाँ पे आपको लाइनअप भी मिल जाएगी सारे मैचों की। और यहाँ पे एटलीस्ट हमने 32 मैचेस कवर किए हैं जो कि बैक टू बैक बिन हैं और नो वन ईयर है। तो आप प्लीज़ जुड़ जाइए। थैंक यू।